तो अभी सीन ऐसा है कि दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश हुई है तो अच्छा खासा मौसम बना हुआ है। बारिश थोड़ी सी रुकी थी तो मैंने सोचा कि बाहर से अपना काम थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे हेयर कलर लेना था क्योंकि ये मनुष्य देखो कलर कैसे हो गए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ। तो भूमि मार्ट आके मैंने हेयर कलर खरीदा और समोसे गर्मा गर्म बन रहे थे वहाँ की एक शॉप में, तो मैंने सोचा ले ही लेता हूँ। अभी इतनी भर के यहाँ से मैंने पूरी सब्जियाँ ले लिया हूँ यार, बार बार आना हो नहीं पाता और अभी वापस से बारिश वगैरह शुरू हो गई। टक्कू का बाल लग रहा है क्या? तो वापस से बारिश वगैरह शुरू हो गई है ना, तो बार बार आने में झंझट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी एक साथ थोड़ी ज़्यादा ही ले लेता हूँ। पहले ना मैं होम डिलीवरी करवा रहा था, एक है शॉप वाला यहाँ से होम डिलीवरी में, लेकिन क्या हो रहा था पता है क्या, कि ना वो बहुत महंगा दे रहा था। जो मार्केट में रेट चल रहा है ना उससे अप्रॉक्स डबल दे रहा था, मतलब लगभग डबल ही दे रहा था। मैंने सोचा छोड़ो ना यार, इतना सा तो चलना रहता है, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, बाहर का माहौल देखना भी हो जाएगा, तो मैं वॉकिंग करते करते आ जाता हूँ, चलना भी हो जाएगा ना। अभी क्या थोड़ा कैलोरीज घटानी है, वेट घटाना है, मेंटेन करना है, तो चलना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से लॉकडाउन बढ़ा है तो चलना वलना बिल्कुल बंद हो गया है। बाहर का मौसम भी अच्छा, धूप रहती तो टेंशन वाली बात थी। फ्रेंकी मिल जाएगी, यहाँ से मैं ले रहा हूँ चीज़ फ्रेंकी। चीज़ का खाने का अलग ही मज़ा होता है, नॉर्मल रहती है ना तो नॉर्मल में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। आलू के मसाले में लग गई चीज़ की टॉपिंग, तो उसमें जो चीज़ वाला फ्लेवर आएगा वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें प्याज है और कैबेज पत्ता गोभी होता है, उसको काट के डाला जाता है मिक्स उसका। इसमें प्याज और पत्ता गोभी के अलावा कुछ और भी रहता है? कांदा पत्ता मीन्स प्याज का पत्ता, अनियन के जो पत्ते होते हैं जो जब वो उगता है उसके ऊपर के, वो डाला जाता है, तो सिर्फ टेस्ट और भी ज़्यादा बेटर आता है। रब डल रही है उसमें चीज़। कितने की एक? 50 की एक, 100 की 2 फ्रेंकी, और इतना पेट भर जाए तो इनफ है। खाते सामान और निकलते हैं आगे। अभी दरअसल एक वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेंकी कहीं और से भी लिए थे जहां का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था उसके बाद फ्रेंकी, तो यहां से लिया हूं, यहां से देखते हैं। और यहां से मैंने एक पैंट देखा था जो मुझे हाफ वाला पसंद आया था, कहां पे है वो, एक हाफ वाला पैंट था जो कि डेली उसके लिए घर के लिए सोचा ले लेता हूँ। ग्रे कलर का मिल रहा था, लेना ब्लू था लेकिन अवेलेबल नहीं था, इसलिए ग्रे ही ले लेता हूँ। और अच्छा पैंट है, भूमि मार्ट के पास में ही ये शॉप नई वाली खुली हुई है, और ओनली 100 रुपीज़। क्या बोल रहा है? ये ऐसे वाली टी शर्ट है कि लड़कों की है कि लड़कियों की है? लड़कों की है, दिखाओ ऐसी शर्ट। इस टाइप की जो टी शर्ट है मुझे कम्फर्टेबल लगती है, मेरी एक ब्लू वाली टी शर्ट है, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं अक्सर पहनता हूँ, और दूसरा कलर में नहीं है कोई। अच्छा, ये स्मॉल है, इस टाइप में नहीं है, इस टाइप में बड़ा नहीं है, तो ये वाली। और ये बिक गई है, ये कितने की है? 100 की है, 100 रुपीज की ये टी शर्ट। साइज क्या है? ये एल है क्या है? नहीं, एम नहीं लगेगी मुझे, एल नहीं है इसमें, फुल है। ये तो एस दिख रही है तो छोटी होगी, ये सब छोटी है, तीनों छोटी है क्या? मूवमेंट वगैरह आता है ना? नहीं, फुल साइज है ये भी, ठीक है। क्या अलग अलग आते रहते हैं ना? हाँ नायलॉन में भी कितना वैरायटी है ना? हाँ, इसमें भी बहुत वैरायटी है। तो वही, तो मुझे ये वाली टी शर्ट पसंद आई और उसका मैचिंग पैंट मिल गया। भाई कोई दुनिया में कितना भी शो ऑफ कर ले, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो स्ट्रीट शॉपिंग करने का जो अपना अलग मज़ा होता है ना, वो ब्रांडेड चीज़ों को खरीदने में भी मज़ा नहीं आता है। ये ब्रांडेड खरीदो कैसा होगा, मॉल जाओ, बड़े शोरूम्स जाओ और जो कपड़े हैं जैसे हैं अवेलेबल वैसे खरीद लो, कितने महंगे महंगे दाम चुकाना पड़ता है। कई बार हम उनकी डिज़ाइन से भी इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि ब्रांड अच्छा है तो हम लोग बस इसी की लालच में आके ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिससे हमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं तो हमें ना
किसी भी चीज का बहुत ही कम पैसा देना पड़ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने टी शर्ट और पैंट 100-100 रुपए में खरीद लिया और मुझे अच्छी लगी लिटरली। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 100 रुपए देख के खरीद लिया, ऐसा नहीं है। मैं कहीं पे भी ऐसे पैसे खर्चा नहीं करता हूँ। मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट आता है, मैं तभी खरीदता हूँ, चाहे वो 10 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो। तो ये दोनों चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। पैंट का तो मुझे जरूरत थी ही, शर्ट पर नजर पड़ गई जो बहुत अच्छी दिख रही थी। मुझे ना इस टाइप का प्रिंट लेना ही था, लेकिन ग्रीनिश कलर में लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैकिश में मिल गया। तो अभी मैं घर पे पहुंच गया हूँ। घर पे टी शर्ट मैंने निकाल लिया हूँ और टी शर्ट को मैं सोच रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखता हूँ आप लोगों के सामने, तो इसका अच्छा वाला ट्रांजिशन करेंगे। चलो, पता है ट्रांजिशन उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह की टी शर्ट है ये, पीछे का कबाड़ मत देखो, मेरी टी शर्ट देखो। हाँ, अच्छी है, मीडियम थी, वहां पे मीडियम लिखा हुआ था और वो दुकान वाला एकदम कॉन्फिडेंट था कि भाई आप लेके जाओ, ब्रांड वाली में सब लफड़ा रहता है, यहाँ पे मीडियम बोल के लार्ज आती है। तो मैंने बोला ठीक है मीडियम दे दो। दरअसल मुझे लार्ज होती है, थोड़ी सी हल्की सी इसकी लेंथ कम है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। ऐसा ऐसा हाथ उठाऊंगा ना तो थोड़ा सा उठेगा, तो उतना सा तो चलता है, और ऐसा हाथ उठाता कौन है। तो ये आ गया है और मैचिंग, जैसा मैंने वहां पे आप लोगों को बोला था। लेकिन बस यही बात है कि थोड़ा सा फूला फूला लगता है, इनको ही नहीं, इसी बहाने थाइस भी थोड़ी अच्छी दिख रही है। मैचिंग है लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद मैंने दरअसल कपड़े खरीदे। खाते हैं वो कमाल का फूड, जिया भी आने ही वाली है, और फिर करते हैं साथ में फूड का रिव्यू। देखो, समोसा और फ्रेंकी दोनों आ गया, तो तुम बताओ पहले क्या खाना है। पहले खाएंगे समोसे, फ्रेंकी से अच्छा मुंह कहेंगे बाद में। पहले समोसे खाएं, फ्रेंकी ठंडी हो गई तो महंगी चीज का मजा खराब ना हो जाए। फ्रेंकी ज्यादा अच्छा लगता है समोसे से। हाँ, ये बात भी है। और अपना रिव्यू दो, फटाफट निकालो। क्या प्लेट लाऊं? प्लेट ले आता चटनी मिर्ची सब उसमें। ऐसे कभी कभी बाहर की चीजें खाओ ना तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है यार। रोज रोज तो खाते नहीं है सब चीजें, मालूम है। अभी बोलोगे कि एक्सरसाइज शुरू किया हूँ, बोल रहा था और ये सब खा रहा हूँ। देखो, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। और अपने को क्या, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, अपने को खाली इतना बनना है कि कोई भी कपड़े पहने, दुनिया के कोई भी कपड़े, तो वो कपड़े अच्छे लगे। और होता है बॉडी अगर अच्छी है तो कोई भी कपड़े पहनो, 50 रुपए की टी शर्ट पहनोगे ना तो वो अच्छी दिखेगी। तो मेरे को बस उसी लेवल में पहुंचना है, बॉडी बिल्डिंग तो करना नहीं है, मिस्टर इंडिया के कॉम्पिटिशन में तो उतरना है नहीं कि मैं इतनी झंझट पालू, है ना। तो अभी हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि फ्रेंकी ही पहले खाएंगे, क्योंकि आखिर वो चीज महंगी है तो उसका यूज पहले करते हैं, क्योंकि महंगी का टेस्ट अगर फेड हो गया तो फिर बड़ा दिमाग खराब दिल पे लगता है। वही तो, और महंगी सस्ती इन द सेंस इसके कंपैरिजन में महंगी है। हाँ। 50 रुपए की है, 10 रुपए का है, तो फर्क तो 12 रुपए का। हाँ। सॉरी, फर्क तो रहेगा। हाँ। फटाफट फर्स्ट बाइट लो, रिव्यू दो, ताकि फिर मेरे ऊपर कैमरा डालो। अच्छा है, बहुत टेस्टी है। भूमि मार्ट वहाँ पर बहुत टेस्टी बना था। अच्छा लगा, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी पकड़ो, बहुत टेस्टी है। जल्दी पकड़ो, कितना गलगलाते हो, गिरा रहे हो। जितना चीज गिर रहा है ना, ये टक्कू किस्मत का चीज है। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा, देख रहे हो इसमें चीज, आलू, मसाला, कितनी प्रॉपर लिड ओपन की गई है। पिछला जो फ्रेंकी खाया था ना, बकवास। और ये हेवन। तो अभी निकाल लिया हूँ मैंने पहला बाइट, थोड़े ठंडे हो गए, जब मैंने इन्हें खरीद रहा था ना तो मस्त गर्मा गर्म थे। ग्रीन चटनी में थोड़ा सा, रेड चटनी में थोड़ा सा, रेड में कम डालना मीठा लगेगा, रेड में थोड़ा कम कर देते हैं। तुम्हारी फेवरेट है ना ऐसे? मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाऊंगा एक बार, मेरे को बहुत तीखा लगता है। नहीं लगेगा, खा के देखो। नहीं है तीखी, अभी सिर्फ ग्रीन चटनी में। खाना चाहोगे? खा लो, खा लो, बहुत टेस्टी है। चटनी अच्छी लग रही है, लेकिन धनिया वाली तो अलग फ्लेवर आ रहा है। हाँ, बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है। वो चिंचोली बन रहा है, वड़ा पाव समोसा कितना टेस्टी रहता है ना। मैं डायरेक्ट ऐसा खा सकता था, लेकिन चटनी लग रही है टेस्टी। मीठी चटनी भी अच्छी है, लेकिन जिनको अच्छी लगती है। अभी हमको उतनी अच्छी नहीं लगती मीठी चटनी, तो साइड में कर दिए, ग्रीन चटनी के साथ खाते। समोसे में सिर्फ साथ मीठा कौन खाता है? मजा आ रहा है थोड़ा स्पाइसी खाने में। आज दिन में मेरा खाना ही नहीं हुआ, ये सब खा रहा हूँ। गैस खत्म थी, एक्सरसाइज किया, अंडे दूध कुछ नहीं खा पी पाया। दूध तक गर्म नहीं किया मैंने, फट तो नहीं किया होगा? नहीं फटेगा, फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रीजर में डाल देना, फ्रीजर में। हाँ, नहीं फटेगा फिर कल तक। कल तक क्यों रखना है? अभी लाके फिट करके गर्म कर दूंगा।
जब किसी चीज की बहुत इच्छा होती है और वो चीज मिलती है तो बहुत सुकून मिलता है। तो आज इस वीडियो को बना के मुझे बहुत सुकून मिला है, नहीं चाय पी के भी मिला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब तक देखे तो लाइक करना बस बनता है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप मेरी खुशी के लिए एक छोटा सा लाइक कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका। पहली बार मुझे देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। देखो मैं फंबल भी हो गया, मैंने इतना बोला इतना काम किया। शाम का वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही अलग, इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला, डरावना भी हो सकता है। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ जाइए। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय।